हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर हम कहें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट इज BNSS के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी हसल एंड बसल, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि नाम आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और मोरओवर 2023 रिप्लेस्ड बाय सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक है, दोनों सेम ही है। अब मैं बता दूं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंग्लिश में अगर इसे बोलें तो भारतीय मतलब इंडियन, नागरिक मतलब सिटीजन, इंडियन सिटीजन, सुरक्षा मतलब की सेफ्टी और संहिता मतलब कोड। तो ओवरऑल ये हो जाएगा इंडियन सिटीजन सेफ्टी कोड। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटलाइन यहां पर देखना कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। कुछ प्रोविजंस इस पे जोड़े गए हैं और कुछ प्रोविजंस इसमें से हटा दिए गए हैं, कुछ सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना है नहीं, इसलिए आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इस डेट पे फोकस कीजिएगा जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, 11 अगस्त 2023। दूसरी डेट आप देखिए 12 दिसंबर 2023। तीसरी डेट 20 दिसंबर 2023। तो जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम है अमित शाह और ये हैं इंडिया के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री, यानी कि इनके अंडर जो मिनिस्ट्री आती है वो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री। तो 11 अगस्त 2023 को अमित शाह इंट्रोड्यूस करते हैं BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लोकसभा के अंदर। अभी जो आप डेट देख रहे हैं 11 अगस्त से 12 दिसंबर तक इस बिल को पढ़ा जाता है लोकसभा के मेंबर्स द्वारा, और इसी के बीच में जो है ये बिल राज्यसभा में भी जाता है। उनको भी भनक लग जाती है कि BNSS नाम का कोई बिल लेके आए हैं अमित शाह, जो कि रिप्लेस करने वाली है सीआरपीसी को। अब क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो एक्ट बनने तक उसका जो सफ़र होता है वो होता है कि पहले जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, फिर उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा में, फिर उसके बाद जब वो लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से वो पास हो जाता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए। तो तब जाके वो, अगर जब प्रेसिडेंट उस पे अपनी असेंट दे देते हैं उस बिल पे, तो तब जाके वो जो बिल है या वो जो कोड है वो एक्ट एक्ट के रूप में तब्दील हो जाती है। सो 11 अगस्त 2023 को अमित शाह इंट्रोड्यूस करते हैं एक बिल लोकसभा के अंदर। कुछ महीने तक इस बिल को यहाँ पे पढ़ा जाता है, 12 दिसंबर को इसको विड्रॉन कर दिया जाता है, यहाँ से ले लिया जाता है वापस। अब सबकी नॉलेज में है, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी नॉलेज में है कि एक BNSS करके एक जो है कोड आ चुका है, उसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं और जो कि रिप्लेस कर रही है किसको, सीआरपीसी को। अब इसी दिन जो है 12 दिसंबर को जैसे ही विड्रॉन करते हैं, अब ये सबकी जब नॉलेज में आ जाता है तो वापस से 12 दिसंबर 2023 को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं, रीइंट्रोड्यूस करते हैं इस बिल को। तो विड्रॉन भी करते हैं और उसी दिन सेम डे रीइंस्टीट्यूट भी करते हैं। अब फाइनल है, सबकी नॉलेज में बिल आ चुका है, अब इसमें असेंट देने के लिए 12 दिसंबर को दोबारा से रीइंस्टीट्यूट करते हैं या रीइंट्रोड्यूस करते हैं। अब इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के 8 दिन बाद यानी कि 20 दिसंबर 2023 को इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया जाता है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि लोकसभा बिल किसी बिल को पास करती है, तो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा पास दिस बिल, और ठीक एक दिन बाद 21 दिसंबर को ये जो बिल है ये पास हो जाता है राज्यसभा से भी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो टाइम पीरियड है 11 अगस्त से लेकर 12 दिसंबर के बीच में, इसमें जो बिल है दोनों हाउसेस के मेंबर्स में जाता है, उन दोनों में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और दोनों हाउसेस के मेंबर अच्छे से समझ लेते हैं कि बिल है क्या, बिल किस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, बिल में कौन कौन से प्रोविजंस नए जुड़े हैं।
ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी 20 दिसंबर को लोकसभा से ये पास हो जाता है और 21 दिसंबर को राज्यसभा से भी ये पास हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छे टाइम पीरियड में, अगस्त से देख लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5 महीने का टाइम पीरियड होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे, ताकि वो इस बिल को अच्छे से देख सकें कि इसमें कहीं कोई ऐसे प्रोविजंस तो नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन का इंफ्रिंजमेंट कर सकें या कर रहे हैं। 21 दिसंबर को ये जो है पास हो जाता है राज्यसभा से, 20 दिसंबर को पास हो जाता है लोकसभा से, और 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे के दिन इसको प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल जाती है, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और इत्तेफाक से इसी दिन जो है ऑफिशियल गेजेट, भारत का जो राजपत्र है, ऑफिशियल गेजेट जिसे बोलते हैं, इसी दिन इसमें भी ये छप जाता है। अब टाइम पीरियड है, यानी कि अब इस चीज को समझिएगा, दो लॉ में दो चीज होती हैं, एक होता है इनेक्टमेंट और एक होता है इन्फोर्समेंट, ठीक है। ये जो दो टर्म्स हैं बहुत ज्यादातर यूज किए जाते हैं लॉ के फील्ड पे, किसी एक्ट को जब बनाया जाता है उसके संदर्भ में इन शब्दों का यूज किया जाता है। तो इनेक्टमेंट का मतलब ये होता है कि कभी भी जब कोई लॉ, व्हेन एनी लॉ, एंड व्हेन एनी लॉ इज रेडी एंड असेंटेड एंड हैज बीन गिवन असेंट बाय प्रेसिडेंट, या फिर हम कह सकें अगर स्टेट लेवल का कोई लॉ है तो बाय असेंटेड बाय गवर्नर, असेंट गिवन बाय गवर्नर, और ये जो है लॉ बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। व्हेन एनी लॉ इज रेडी एंड असेंटेड बाय प्रेसिडेंट, देन सच लॉ विल कॉल्ड एज इनेक्टमेंट, दैट लॉ हैज बीन इनेक्टेड, यानी कि बन के तैयार है, बस देर है किस बात की, इसके लागू होने की। अब इन्फोर्समेंट का मतलब है कि जब कोई चीज लागू हो जाए, यानी कि जो इनेक्टेड हुआ था, जो लॉ, लॉ विच वॉज इनेक्टेड इज नाउ ऑफिशियली इन्फोर्स्ड, यानी कि अब पूरी की पूरी कंट्री में वो जो लॉ है, यानी कि ये जो डेट थी, ये इन्फोर्समेंट डेट थी इसकी 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को जितने की भी, जितने जो हैं पीनल कोड में जितने भी प्रोविजंस लागू होने थे, प्रोसीजर जो लागू होनी थी वो बीएनएसएस की होनी थी, और 1 जुलाई 2024 से जितने भी पहले केसेस हुए हैं, अगर वो 31 जून को रात को 11 बजे भी अगर केस हुआ है, एफआईआर हो गई है, तो वो भारत जो है आईपीसी के अंदर जो रजिस्टर्ड होगा वो केस, और उसकी जो प्रोसीजर होगी वो सीआरपीसी के थ्रू ही चलेगी। लेकिन जैसे ही 12 बज जाते हैं रात के, 30 जून 2024 रात को 11:59, टिक 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 टिक, जैसे ही ये जो सुई पहुंचती है और जैसी घड़ी में 12 बज जाते हैं, यानी कि नया दिन शुरू हो जाता है, और ये 30 जून 2024 तब्दील हो जाती है 1 जुलाई 2024 में, 1 जुलाई 2024 में रात को 12:01 पे या 12 बजे भी अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है, तो माना जाएगा कि वो जो केस रजिस्टर्ड होगा वो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत रजिस्टर होगा, क्योंकि ये इकलौता जो है केस वो तो इंट्रोड्यूस किया नहीं गया था बीएनएसएस की जगह, अब बीएनएसएस के अलावा और बीएनएस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और बीएस यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इतना तो मैं आप मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पता होगा। आपको मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन्फोर्समेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन, या फिर इसे हम जो है आसान भाषा में समझें तो लागू होना भी बोल सकते हैं। इस चीज का जो है कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वहीं पर अगर इनेक्टमेंट की बात करें तो इनेक्टमेंट जो है इसको हिंदी में ऑफिशियली बोलते हैं अधिनियमित से आप क्या समझ रहे हैं, नाम आ रहा है अधिनियम, यानी कि कोई जो है एक्ट बन के तैयार, यानी कि जो कोई बिल था
बिल को दोनों हाउसेस से पास कर दिया गया है, राज्यसभा से भी पास कर दिया, राज्य लोकसभा से भी पास कर दिया, और प्रेसिडेंट की असेंट यानी कि सहमति भी मिल गई है। अब जाके ये जो बिल था ये एक्ट में यानी कि अधिनियम में तब्दील हो गया। यही होता है इनएक्टमेंट, यानी कि बन के तैयार हो गया। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है इस पूरी स्टोरी को समझ रहे होंगे कि इस दिन से यानी कि 1 जुलाई 2024 से ये जो है सीआरपीसी, बीएनएस यानी कि बीएनएसएस जिसको हम सीआरपीसी नाम से जानते थे, और दूसरा बीएनएस जिसको हम इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते थे, और तीसरा बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी भी इंग्लिश में अगर इसे ट्रांसफर करें तो वही होता है, भारतीय यानी कि इंडियन साक्ष्य मतलब एविडेंस और एक्ट मतलब एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो वो डेट है 1 जुलाई 2024 को, इस दिन से तीनों के तीनों एक्ट, बीएनएसएस भी, बीएनएसएस भी, बीएसए भी लागू हो गई। तो गाइज अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो है कैसे लागू हुई है, कब कब लागू हुई है, किसने लागू की है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आने जा रहा है। अब जैसे कि हर एक स्कॉलर को पता होना चाहिए, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से गहन नॉलेज रखने वाला बंदा। जैसे कि हमारे पास पुराने टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स हुआ करते थे, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल और भी तमाम बहुत सारे स्कॉलर्स। स्कॉलर्स मतलब जिनको जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो आप सभी जितने ये सब लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के सभी स्कॉलर्स हैं, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छी नॉलेज होने वाली है, मेरा यकीन मानिए। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सभी में ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं थी तो आपके अंदर होनी चाहिए थी, और अगर है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो देखिए मैं ना दो तरीके से आपको बता दूंगा कि एक तरफ तो चलिए ले लेते हैं हम बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं सीआरपीसी। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की, टोटल जो इसमें चैप्टर्स हैं वो 39 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 39 चैप्टर्स। और अगर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें इसमें, तो वो जो है 5531 सेक्शंस हैं। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ओल्ड सीआरपीसी में कितने सेक्शंस थे और कितने चैप्टर्स थे, यही तो चेंज हुआ है। और हाँ एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, हो सकता है आप आज से ये जो वीडियो, ये 2024 में सितंबर के मंथ में 11 सितंबर को ये वीडियो बन रही है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग 10 साल बाद देख रहे हो, है ना। तो आपको पता तो होना चाहिए कि इस समय जब ये बिल पास हुआ था, जब ये एक्ट बना था, बीएनएसएस या बीएनएस या इन या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? प्रेसिडेंट थी या है अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि इन्हीं के असेंट के थ्रू ये जो है एक्ट बन के तैयार हुआ। द्रौपदी मुर्मू को आप सभी जानते होंगे, आदिवासी समुदाय की ये जो है प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट तो हमारे इंडिया की है लेकिन आदिवासी समुदाय से ये बिलोंग करती हैं। तो दैट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू टेल यू। हम बात कर रहे थे कि सीआरपीसी में टोटल कितने चैप्टर्स थे पुराने, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल चैप्टर जो सीआरपीसी में है वो चैप्टर 37 चैप्टर्स हैं, और अगर वहीं पे सेक्शंस की बात करें तो 484। इसमें से जो 37 चैप्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में सीआरपीसी में एक सेक्शन है 482 जिसको हम जानते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के नाम से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि वंस एन एफआईआर हैज बीन लॉस्ट, उसको क्वेश करने का मात्र एक ही तरीका होता है, एक ही अथॉरिटी के पास पावर होती है और वो होती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास वो पावर होती है 482 के अंदर। हिंदी में भी इसको बोलते हैं अंतर्निहित शक्तियां हाई कोर्ट की, या अंतर्निहित शक्तियां जो भी बोलते हैं, देख लीजिएगा। तो इतनी चीज आपको पता चल गई है,
तो शुरू करते हैं हम। मैंने आपको बता दिया सीआरपीसी और बीएनएसएस। बीएनएसएस में जो है हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर वाइज चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटल 39 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है, आपको क्या लगता है चैप्टर पहला क्या होगा? चैप्टर 1 सिंपली बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। प्रिलिमिनरी का मतलब सिंपल सा संदर्भ ये होता है कि इसमें कुछ चीजें दी होती हैं, तीन चीजें इसमें दी होती हैं कि इस एक्ट को क्या कहलाया जाएगा, नेम ऑफ द एक्ट, ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं इसको, जानते हैं सभी, शॉर्ट टाइटल। इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट कहां तक होगा, इसका जो विस्तार है वो कहां तक होगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका कमेंसमेंट कब से होगा, ये कब से लागू होगा, यानी कि वही वाली चीज हो गई है इन्फोर्समेंट वाली डेट। और ये इन्फोर्समेंट वाली डेट जो है ऑफिशियल गजेट में लिख दी जाएगी। साथ ही में इसी चैप्टर में क्या होगा, क्या होना चाहिए इन तीनों चीज के अलावा, इन तीनों चीज के अलावा एक चीज और होती है इसमें, डेफिनेशन, यानी कि किन्हीं बहुत सारी चीजों को परिभाषित किया जाता है। जैसे कि आपको फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता दूं कि वारंट केस या वारंट क्या होगा, वह समन क्या होगा, समन केस क्या होंगे, बेलेबल, बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, तो ऐसी बहुत सारी तमाम डेफिनेशंस आपको इस डेफिनेशन वाले सेक्शन में दी होंगी। डेफिनेशन के अलावा और प्रिलिमिनरी में क्या दिया जाता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस में, यानी कि रेफर करना किसी भी चीज को, यानी कि सिंपल सी बात इसमें ये लिखी रहती है कि कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहलाया जाएगा, कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहलाया जाएगा, कौन सीजीएम कहलाया जाएगा, यानी कि मुख्य दंड न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और भी क्योंकि पुरानी वाली सीआरपीसी में तो आपको पता होगा कि ये जो टर्म है मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट, एमएम जिसे बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट वो भी हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है। मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र में होता था जिसको जिसकी जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से ज्यादा हुआ करती थी। अगर पुरानी अभी क्योंकि अभी तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है नहीं, यानी कि 10 लाख से 8,000, 10,000 लाख, एक और जीरो, 10 लाख से जिस क्षेत्र की आबादी ज्यादा है उसको बोलेंगे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया। और ये जो है सेक्शन 8 में दिया रहता था सीआरपीसी के, कि सच एरिया हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो 1 मिलियन से ज्यादा जिस एरिया की, जिस स्टेट की जनसंख्या होगी उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन स्टेट या मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये चीज जो है मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी चीजें इसमें चैप्टर 1 में आप लोग समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोला जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ही मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बोला जाएगा, ठीक है, रेफरेंस टाइप का है ये तो हो गई चैप्टर 1 की बात। चैप्टर 2 में देखिए क्या है, चैप्टर 2 बीएनएसएस। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 में जो प्रिलिमिनरी थी उसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक कवर होते हैं। वहीं हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। इसी चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि हायरार्की क्या होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो चैप्टर वन के तो मैं समझा चुका हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, चैप्टर टू में अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर जैसे ही जो है चैप्टर टू खत्म होगा, उसके बाद चैप्टर थ्री शुरू होगा। चैप्टर थ्री में यहाँ पर हमको सेक्शन, जहाँ पे 20 खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सेक्शन 21 से शुरू होगा और सेक्शन 29 तक ये चलेगा। और ये जो चैप्टर है ये डील करता है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में, कि किस कोर्ट की कितनी पावर होगी। यानी कि अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट है तो उसकी कितनी पावर होगी, वहीं पे अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, तो उसकी कितनी पावर्स होंगी, वो कितनी पनिशमेंट किसी पे इम्पोज कर सकता है। वहीं पे अगर कोई CJM है, ठीक है, तो वो कितनी पनिशमेंट किसी पर्सन को इम्पोज कर सकता है। तो ये सब आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये आपको चैप्टर थ्री में देखने के लिए मिलेगा, पावर ऑफ कोर्ट्स में, सेक्शन 21 से सेक्शन 29 तक। फिर CJM से ऊपर होते हैं सेजन कोर्ट। सेजन कोर्ट, सेजन कोर्ट कितनी टाइम का जो कितना पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेजन कोर्ट जो है, सेजन कोर्ट जो होता है वो डेथ पेनाल्टी भी दे सकता है। लेकिन फिर इसमें जो है एक प्रोविजन आता है कि डेथ पेनाल्टी अगर किसी सेजन कोर्ट ने किसी पर्सन को, किसी एक्यूज्ड को दी है, तो उसको जो है प्रायर कंफर्मेशन लेनी होगी हाई कोर्ट की। आई थिंक, आई होप कि ये बातें तो आप जानते होंगे। तो ये चीज़ जो है पावर ऑफ कोर्ट में हमें डील करनी है। पहले आप जो है इसको समझ लीजिए, और सेम ऐसे ही ऐसे जो है CRPC में भी था, बस सेक्शन थोड़ा अदल बदल थे। तो गाइज, मैंने आपको बताया था कि चैप्टर टू पे हम अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर वन मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ। चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 तक, जहां पे हम डील कर रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि चैप्टर 2 में जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि दंड न्यायालय और उनके कार्यालयों का गठन। तो पहले में ही जो है आपको सेक्शन 6 में दिखता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो आइए सेक्शन 6 को समझते हैं। ये है पुरानी वाली CRPC, इसका भी चैप्टर 2 जो है वो इसी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, और इसका सेक्शन 6 भी यही है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो चलो मैं आप लोग को पहले ऐसे रफली समझा देता हूं कि कितनी टाइप की क्लासेस होती हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो देखिए, दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं, एक होती है सिविल कोर्ट, एक होती है क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इसमें कभी भी मत कंफ्यूज होइएगा कि ये जो है कोर्ट अलग अलग होती है। बस मैं आपको दो अलग अलग नामों से समझा रहा हूं, जो वहां पे जो पर्सन होता है वो एक ही पर्सन होता है, जिसको हम मजिस्ट्रेट नाम से जानते हैं। मजिस्ट्रेट नाम से जानते हैं हम क्रिमिनल मैटर्स में। अगर वहां पे अगर कोई मैटर चल रहा है, सिविल मैटर है, सिविल डिस्प्यूट है, तो उसको हम जानेंगे, इसी पर्सन को दो नाम से हम जानेंगे। इसको हम बोलेंगे सिविल जज, अगर ये जो डील कर रहा है ये सिविल मैटर से डील कर रहा है। लेकिन हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्राइम रिलेटेड टू पेनल कोड, यानी कि जो इंडियन पिनल कोड या भारतीय न्याय संहिता में जितने भी जो पनिशमेंट्स दे रखी हैं, उसको प्रोसीजर कैसे होगा करके, तो वो जो चीज़ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दे रखी है। तो उसको डील करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बंदा एक ही है, उसी को सिविल जज बोलते हैं हम, उसी को मजिस्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि वो लॉ का विद्वान है, उसे हर एक चीज आती है, तो वो एज पर द सिचुएशन कुछ भी देख सकता है। अब समझिएगा, यहाँ पे सिविल जज जो होते हैं ना, इसको हम करते हैं साइट, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें देखना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर हम देख रहे हैं सेक्शन 6, और सेक्शन 6 किसके अंदर आता है, चैप्टर 2 के अंदर। सेक्शन 6 बोलता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो अगर आप मेरी इतनी बात समझ गए हैं कि क्रिमिनल
केसेस को देखने के लिए सबसे निचले स्तर का जो जज होता है, जिसे हम जज नहीं कहते, होता वो जज ही है, लेकिन उसे हम जज ना कह के हम क्या नाम दे रहे हैं, हम मजिस्ट्रेट नाम दे रहे हैं। समझिएगा, पर्सन एक ही बंदा है जो जज का एग्जाम जिसने क्वालिफाई किया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप इस चीज़ को समझिएगा। सबसे जो निचली कोर्ट होती है उसे बोलते हैं हम JM सेकेंड क्लास। JM सेकेंड वो जज होता है, वो मजिस्ट्रेट होता है जिसके पास पावर होती है जो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद कर सकता है किसी भी पर्सन को, 1 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट। अब ये मजिस्ट्रेट की या ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो उस पर्सन को या तो पनिशमेंट दे, अगर पनिशमेंट नहीं देता है और जज सेटिस्फाई है, जज अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करता है, या मजिस्ट्रेट अपनी, मैं बार बार जज कह रहा हूँ क्योंकि होता वो जज ही है लेकिन क्रिमिनल केसेस में उसे मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं, तो मजिस्ट्रेट जब अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करता है तो इम्प्रिजनमेंट की जगह हो सकता है कि वो फाइन भी दे दे जिस पर्सन ने कोई अपराध किया है, और वो अपराध ऐसा किया है कि उस अपराध की मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल के अंदर हो, तो 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। और फाइन की अगर बात करें तो 10,000 रुपये तक का फाइन जो मजिस्ट्रेट इम्पोज कर सकता है उसको बोलेंगे हम JM सेकेंड क्लास। अभी इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा। एक पर्सन था NDPS, यानी कि NDPS का मतलब आप सब समझते ही होंगे, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जो ड्रग्स वगैरह से रिलेट करता है, जो ड्रग्स वगैरह से डील करता है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स हैं। तो इसका एक केस आया था हमारे पास, और वहाँ पर जो है स्मॉल क्वांटिटी में जो पर्सन एक्यूज था, स्मॉल क्वांटिटी पे उसके पास ड्रग्स थी। अब ये जो केस गया, ये केस गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पास, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पास 10,000 रुपये तक का जिसमें फाइन है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में 10,000 रुपये तक का वो अगर फाइन दे सकते हैं, तो वो केस जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पास जाएगा, जो कि स्पेशल मैटर्स को भी देख रहे होंगे। तो उसने उस अभियुक्त को जब देखा, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, उससे पूछ इंक्वायरी वगैरह की, उससे पूछताछ की, तो उसने जो है अपना पनिशमेंट, उसने जो अपना ऑफेंस है वो स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और अब देखिए, जज के पास पावर है कि 1 साल तक की वो सज़ा दे सकती थी, लेकिन उस जज ने अपने क्षेत्र अधिकार में रहते हुए उसको 7,000 रुपये का फाइन दिया। इस बात से समझिएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यानी कि द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये तक का फाइन या फिर 1 साल तक का कारावास दे सकता है। अगला जो है JM सेकंड क्लास से जस्ट ऊपर एक मजिस्ट्रेट होता है जिसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं। इसमें जो है उसके पास पावर होती है कि वो 3 साल तक का किसी को पनिशमेंट दे सकता है, अप टू 3 ईयर्स, और अगर फाइन की बात करें तो अप टू 50,000। और ये होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हिंदी में ये बोलते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। JM सेकंड के बाद, JM फर्स्ट के बाद, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बाद, अगर हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको देखोगे आप तो ऐसे दे रखा है, सबसे पहले क्रिमिनल कोर्ट्स में सेशन कोर्ट दे रखा है। सेशन कोर्ट के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे रखा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको समझा दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जो जूनियर होगा उसे बोलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होता है उसके नीचे भी मजिस्ट्रेट्स आते हैं जिसे हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बोलते हैं, वो भी अपना जो है ज्यूरिडिक्शन दिखा सकते हैं, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में कौन होते हैं? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार नायब तहसीलदार, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो अगर हम सेक्शन 6 की बात करेंगे तो चार टाइप के कोर्ट्स हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में की श्रृंखला में जो आते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, वो है पहला सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और चौथा जो होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सेशन न्यायालय के नीचे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और उसके नीचे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो साथ में आप एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी भी अगर हम बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं और वो बेल जो है ऐसा किसी पर्सन ने ऐसा कोई पनिशमेंट किया है जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक का ही है ना, अब चाहे उसको 1 साल तक का कोई भी उसने जो है पनिशमेंट कोई भी ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी सज़ा सिर्फ 1 साल की है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की है, तो उसमें उसकी जब हम बेल लगाएंगे और वो प्रिजन में है तो हम लिखेंगे कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इंग्लिश में हम लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। हिंदी में हम क्या लिखेंगे? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, इनके नाम से इनका कोर्ट का नाम होगा, उसके बाद जो है हम बेल एप्लीकेशन वगैरह लगाएंगे। तो जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 बीएनएसएस का या सीआरपीसी का आप देखोगे दोनों सेम चीज है, तो यहां पर जो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बता रखे हैं कि इतने टाइप के क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे पास होंगे, जहां पे ओरिजिनली आप जो है कोई अगर मान लीजिए केस होता है, इस चीज को यहीं पे समझ लीजिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पावर होती है सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक की सजा वो दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो फर्स्ट क्लास होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, प्लस वो क्या कर सकता है फाइन अप टू 50K यानी कि 50,000 तक का दंड भी दे सकता है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की मैं बात करूं, मैक्सिमम पनिशमेंट 1 ईयर्स की दे सकता है प्लस 10,000 तक का वो फाइन दे सकता है। ये अगर आप सीआरपीसी में देखोगे तो सीआरपीसी में ये प्रोविजन कम हुआ करते थे, और आप जो है ना इस चीज में भी देखोगे कि ये जो है ये सेक्शन 6 में तो कहीं दिया ही नहीं है, तो ये चीज जो है ये वाले सारे के सारे जो मैं आपको पनिशमेंट वाले जो प्रावधान बता रहा हूँ ये दे रखे हैं पावर ऑफ कोर्ट वाला जो टॉपिक है जो चैप्टर है उसके अंदर, कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो है कितनी पावर दे कितनी जो है पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है वहां पर देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर अगर सेशन कोर्ट की बात करें तो सेशन कोर्ट देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, जेएम फर्स्ट से ऊपर एक और मजिस्ट्रेट होता है जो यहाँ पे सेक्शन 6 में नहीं दे रखा, उसको बोलते हैं सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो जो है जीएम फर्स्ट से ऊपर होता है लेकिन सेक्शन 6 में दे नहीं रखा है, तो क्या कर सकते, लेकिन साइड में मैं आपको बता देता हूं कि सीजेएम यानी कि मुख्य दंड न्यायाधिकारी, ये जो है 7 ईयर्स तक पनिशमेंट दे सकते हैं। और अगर आप देखेंगे इसका जो प्रोविजन है इसमें कहीं पे आपको ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक जो चीज होती है ना पनिशमेंट वाले प्रोविजन में, इसको ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है इसमें जो मैं आपको समझा रहा था, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर्स और ऑफ फाइन। फर्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है उसके उसमें भी ये दे रखा है, वहीं पे बात करेंगे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास उसके उसमें भी ये दे रखा है कि इट कैन गिव अ पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स और ऑफ फाइन। लेकिन वहीं पे अगर आप सीजीएम की बात करेंगे तो देखिए पुरानी वाली सीआरपीसी का मेरे पास क्लॉज है सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट मे पास, तो यहाँ पे जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जब बात हो रही है द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसको समझिएगा, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। यानी कि सीजीएम जो है ना
वो अगर आपको फाइन लगाएंगे तो फाइन वो लगा सकते हैं कितना भी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर गाइज ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने जान ली है, समझ ली है, ठीक है। तो मेंटेनेंस करके एक चैप्टर है BNSS में, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। इसमें ये जो चैप्टर है मेंटेनेंस का ही को किन किन को मिलता है, मेंटेनेंस वाइफ को, मेंटेनेंस पेरेंट्स को, ठीक है, और चिल्ड्रंस को। ये जो चीज है मेंटेनेंस वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 10 ऑफ BNSS। इसमें अगर मैं फर्दर सेक्शन की बात करूं तो 144 से लेकर 145, 146 और 147, चार सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं पे अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको सेक्शन 125 करके एक सेक्शन हुआ करता था जिसमें यही बात हुआ करती थी, मेंटेनेंस फॉर वाइफ्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, सेक्शन 125 टू 126, 127, 128, ये जो है CRPC में हुआ करता था मेंटेनेंस वाला चैप्टर। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मेंटेनेंस कौन मांगती है, ज़्यादातर ये जो मेंटेनेंस है ये वाइफ अपने हस्बैंड से मांगती है। और कभी भी जो है फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं किसी दो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है, वाइफ अपने हस्बैंड से दूर रहना चाहती है, ठीक है, और वो इनकैपेबल है अर्निंग की, अर्निंग जो नहीं कर पा रही है, अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वो जो है डिपेंडेंट हो जाती है हस्बैंड पे, और ऑन दैट पर्टिकुलर केस वो जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगती है। तो उसका जो प्रोसीजर है फैमिली कोर्ट का जो प्रोसीजर है ये यहाँ पर दे रखा है, CRPC कहें तो या फिर हम BNSS कहें, अगर BNSS कह रहे हैं तो चैप्टर 10 में, और अगर CRPC की आप बात कर रहे हैं तो चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 9 CRPC, चैप्टर 10 BNSS। यहाँ पे मैं नेम भी लिख रहा हूँ, ये भी काफ़ी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको देखना चाहिए। अब इसमें चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11 आता है BNSS में, और अगर CRPC की बात करें तो चैप्टर 10 आता है जो बात करता है मेंटेनेंस, ये भी मेंटेनेंस की बात करता है, किसको मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, चैप्टर 11 इससे डील करता है BNSS का, चैप्टर 10 भी इसी चीज से डील करता है CRPC का, करता था, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे ही जैसे ही पत्नी का, माँ बाप और चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का मेंटेनेंस वाला टॉपिक खत्म होता है 148 के अंदर, 147 के अंदर, तो 148 से ये वाला जो है चैप्टर शुरू हो जाता है 148, ठीक है। और वहीं पे अगर CRPC में बात करें तो थोड़ा लॉजिक लगाएंगे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था 125 से 128 तक CRPC में ये मेंटेनेंस वाला प्रोविजन था हस्बैंड सॉरी वाइफ पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए, तो जैसे 128 में यहाँ पे ख़त्म होता है तो 129 में ये शुरू हो जाता है CRPC में। सेम चीज़, सेम चीज़, सेम सेक्शन 148 ऑफ BNSS एंड 129 ऑफ CRPC। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि होता ऐसा है कि देखिए, जैसे कि आपको नाम से पता चला होगा पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या होता है, लोक व्यवस्था बोलते हैं इसको, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर मतलब कहीं पे भी कहीं पे भी जो अनलॉफुल असेंबली होती है। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, 5 जने, 5 या 5+, 5 या 5 से ज़्यादा जनों की कहीं पे अगर असेंबली, कहीं पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और
ऐसा किसी अथॉरिटी को, यानी कि पुलिस वाले को लग रहा है, पुलिस वाला भी कौन, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर श्रेणी का वो अगर पुलिस वाला है, पुलिस ऑफिसर है, तो तब वो जो है फोर्स यूज़ करके इस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है। जितने जो हैं लोग सीआरपीसी में देखना चाहते हैं, जिनके पास सीआरपीसी की बुक पड़ी है, तो 129 से 148 तक ये चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 रिलेट करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी, लोक व्यवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, ठीक है। तो इसको जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें वर्ड लिखा हुआ है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि ये पावर किसके पास है, ये पावर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। अभी हाल पे ही हल्द्वानी के अंदर एक बनबुलपुरा जगह है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों द्वारा एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की गई। क्रिएट करने के बाद उन्होंने कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी की, अनलॉफुल यानी कि कानून से परे चलकर, तब जाके जो यहां पर नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी वंदना चौहान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस अनलॉफुल असेंबली को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 129 से 148 के अंदर सीआरपीसी में ये टॉप जो है ये चैप्टर डील करता है। और जब ये अनलॉफुल असेंबली यहाँ पर वनभूलपुरा वाले क्षेत्र में जब हुई थी, तो वो घटना 1 जुलाई से पहले की थी, तो इसलिए यहाँ पर 144 सेक्शन लागू हुआ था। सेक्शन 144 को आप सभी जानते होंगे कि ये इसे ही बोलते हैं कर्फ्यू लगना, 144। और इस सेक्शंस को ना आप जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, यही सेक्शन जो है बीएनएसएस में 163, इसमें दिया है पावर टू इश्यू। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा था 148 से लेकर इस चैप्टर में, चैप्टर 11 जो बीएनएसएस के अंदर है, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है, तो यहां पर वन सिक्सटी सेवन तक सेक्शंस हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के अंदर। तो इन्हीं में से जो सेक्शन 163 है, वो काफी डेंजर सेक्शन है। पावर टू इश्यू क्या है, पावर टू इश्यू ऑर्डर, इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, तो देखिए था क्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वंदना चौहान थी, इन्होंने, अगर हम ये 144 की मैं बात कर रहा हूँ, सीआरपीसी सेम चीज़ है, सीआरपीसी के अंदर आपके पास बुक है तो 144 देखिएगा, अगर बीएनएसएस की बुक है, बीएनएसएस का बियर एक्ट है, तो आप देखिएगा सेक्शन 163। तो इस पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा दी थी, भीड़ लगाने के बाद तोड़फोड़ कर दी थी, यहाँ तक कि जो चौकी थी यानी गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी थी उस पर भी तोड़फोड़ कर दी थी। तोड़फोड़ करने के मतलब ये था कि जो है एप्रीहेंडेड डेंजर, एप्रीहेंडेड डेंजर मतलब अगर वो पुलिस वालों को नहीं बगस रहे हैं तो वो आम जनता को क्या समझेंगे, यानी कि ये जो है बहुत बड़ा थ्रेट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है। तो इस केस में सेक्शन 144 यहाँ पे इम्पोज हो गई थी हल्द्वानी क्षेत्र में, और जो है आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध हो गया था, यानी कि दुकानें भी बंद हो गई थी, बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है सेक्शन 144 के अंदर। और यहाँ तक कि जो डीएम साहिबा हैं, उन्होंने तो ये तक आदेश कर दिया था कि उपरोक्त
उपद्रवियों, क्या बोलते हैं हिंदियों में, यानी कि जो भी ऐसी अपराध कर रहे हैं उनको उपद्रवियों बोलते हैं। उपद्रवियों को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था कि जो दिखे उसको गोली मार दो। अगर कोई ऐसा उपद्रव कर रहा है, कोई दंगा कर रहा है, तो उसको सीधा गोली से मार दो। और ऐसे कहने पर पुलिस वालों ने गोलियां भी चलाई थी, और गोलियां चलाने के कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई थी। और यकीन मानिएगा, इस केसेस में जब इस केस में जो बनबुलपुरा वाला केस है, इसमें जब इन्वेस्टिगेशन चला, इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद 88 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, और एफआईआर होने के बाद 88 लोगों को जो है पकड़ लिया गया, और इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इनमें से करीबन 48 लोग आज 1 अगस्त, 1 सितंबर, 11 सितंबर है, 11 सितंबर से पहले पहले 48 लोगों की जो है बेल हो चुकी है, बाकी के अभी भी जेल में हैं। और इनका बेल, ऐसे ही मैं बता दूं, ये जो है, इन्होंने जो ये एक्ट किया था, ये बहुत खतरनाक एक्ट हुआ। तो इसके लिए एक एक्ट है हमारे पास, UAPA। इसके अंदर केस रजिस्टर्ड किया गया। और UAPA के अंदर केस रजिस्टर करने का मतलब, जैसे कि कभी भी पुलिस वालों को कोई भी नॉर्मल अगर इन केस है, तो उसमें 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है इन्वेस्टिगेशन करके, चार्जशीट फाइल करने का, और 90 डेज का टाइम पीरियड मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने का और चार्जशीट फाइल करने का। और जैसी चार्जशीट फाइल अगर वो 60 या 90 दिनों के अंदर नहीं करते हैं, तो देयर इज अ प्रोविजन इन अवर्स दिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर BNSS कहें, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, ठीक है। तो इनकी जो एक्यूज थे, 88 लोग थे, इनकी जो वकील थी, सुप्रीम कोर्ट की फेमस लॉयर, तो गाइस अभी मुझे एग्जैक्टली उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा चलिए ये चीज़ को साइड पर रखते हैं। इसके अलावा CRPC या BNSS में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप डील करते हैं, जिसको हम बेल बोलते हैं। देखिए, बेल 3 टाइप की होती है। एक तो जो मैंने अभी अभी आपको बताई, जिसको डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। दूसरी बेल होती है रेगुलर बेल, और तीसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल। जो रेगुलर जो बेल होती है, उसके प्रावधान जो दे रखे हैं वो है, CRPC की अगर बात करें तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 437, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 में, बिल्कुल सही सुना था मैंने, तो सही याद रहा। गाइज ये थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, ये जो रेगुलर बेल वाला है, ये 439 में, ठीक है, सेक्शन 439 ऑफ CRPC। तो ये दो बेल तो होती हैं, साथ में एक होती है डिफॉल्ट बेल। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। 167 क्लॉज 2 में आपको डिफॉल्ट बेल के प्रोविजन दिख जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इन तीनों को, क्योंकि ये तीन जो है बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेल, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और डिफॉल्ट बेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर बेल है वो 439 में CRPC में मिलती है, वहीं पे अगर हम यहाँ पर दो कॉलम बनाते हैं, ये CRPC के अंदर हो गई, ये BNSS के अंदर हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, रेगुलर बेल RB, एंटीसिपेटरी बेल AB एंड डिफॉल्ट बेल इसके अंदर जो आपने रेगुलर बेल देखी थी सेक्शन 439 में देखी थी, एंटीसिपेटरी बेल जो है सेक्शन 438 में, और वहीं पे डिफॉल्ट बेल 167(2) में। तो आइए जानते हैं कि BNSS में ये जो सेक्शंस थे, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, कहाँ रेगुलर बेल कौन से सेक्शन में पहुंच गई है, एंटीसिपेटरी बेल कौन से सेक्शन में है, वहीं पर डिफॉल्ट बेल कौन से सेक्शन में है। डिफॉल्ट बेल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। तो बने रहिए चैनल पे, अगर अभी तक आप ये देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो वीडियो कैसी लग रही है। तो सबसे पहले तो आप ये डिफॉल्ट बेल वाला प्रोविजन देख लीजिए। डिफॉल्ट बेल वाला जो प्रोविजन है वो चला गया है 187 के अंदर।
तो डिफॉल्ट बीएल वाला जो है 187 के अंदर है अभी बीएनएसएस के अंदर। रही बात रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल की, एंटिसिपेटरी बेल चले गई है 482 में बीएनएसएस के, जहां पे पहले इनहेरेंट पावर हुआ करती थी हाई कोर्ट की, वहां पर अब एंटिसिपेटरी बेल चले गई है 482 के अंदर। रेगुलर बेल की अगर बात करें जो कि सीआरपीसी में 439 में थी, 439 में जो थी वो जो है चली गई है 483 में। ठीक है गाइस, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ एक इनहेरेंट पावर की जो मैं बात कर रहा था, सेक्शन 482, यहां पे सीआरपीसी, यहां पे बीएनएसएस। ठीक है, सेक्शन 482 जो सीआरपीसी की थी, जिसमें इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बात की गई थी, ये बीएनएसएस के अंदर 528 में चले गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो मेरे प्यारे गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के संग। और क्योंकि ये जो है वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी है वीडियो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे जानने के लिए मिली होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस पे एक कमेंट ज़रूर करेंगे, और अपने दोस्तों के संग इसे शेयर करना ना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसी पे रिलेटेड वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड सीरीज पे, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।